देवर जी, अपने भाई की बीवी के साथ कोई ऐसा करता है क्या भला? सासू माँ आपकी चाची ने देख लिया तो दोनों को घर से बाहर फेंक देंगी। तो क्या हुआ, डरता कौन है? अच्छा तो फिर अपने घर क्यों नहीं ले जाते मुझे? कब से तैयार बैठा हूँ। और चाचा चाची को क्या कहेंगे? क्या हुआ, हवा टाइट हो गई? चलिए सासू माँ का आने का टाइम हो गया, चाहिए। अभी आप हर बार चाची का बहाना बनाकर मुझे अपने से दूर कर देती हो। अब और रहा नहीं जाता। सासु माँ देखो कैसी शक्ल उतर गई है। कोई नहीं है बात। इस उम्र में भी घर खेत सब कुछ खुद को देखना संभालना है, पता नहीं क्या किस्मत लिखा करके आई हूँ। जब मैं इस घर में बहू बन करके आई थी ना, तो मेरी सास ने सारी जिम्मेदारी सारा काम मुझ पर डाल दिया था। तब से लेके आज तक एक पल का भी चैन नहीं है। हिमल के पिताजी भी जल्दी चले गए, पता नहीं क्या समझ करके हिमल ने शादी की है। ना घर का काम करती है, नहीं लक्षण सही है। हाँ तो कह क्यों नहीं देती बेटे को? वो वहाँ नहीं रख सकता, आप यहाँ नहीं रख सकती। हाँ पूरे दिन काम करते रहो फिर भी कोसती रहती है। ओ, बहुत बड़े काम कर लिए, मुंह मत खुलवा, समझी? हाँ बोलने को कुछ बचा भी नहीं है। ये देखो तो जबान कैसी चल रही है, केंची की तरह। अरे यही सिखाया पढ़ाया तेरे घर वालों ने? मैं कहती हूँ अगर इतनी तकलीफ है तो चली क्यों नहीं जाती कहीं? हाँ हाँ चली जाऊंगी, इस नरक में रहना भी कौन चाहता है? कौन चाहता है? अरे चली जाए तो सारी अय्याशा खत्म हो जाए ना। पूरे गांव में थू थू हो रही है, डायन भी चार घर छोड़ करके अपना शिकार करती है। कुछ तो शर्म लियाज कर। और वो राजीव? राजीव और मेरे बीच कुछ नहीं है। बच्चा समझ। और ये इतना सज धज के महारानी कहाँ जा रही है? बाजार जा रही हूँ। बाजार? मुझे सब पता है, उस राजीव के पीछे खेत में जा रही होगी। चल अंदर, कहीं नहीं जाएगी, चल। मैं जा रही हूँ बाजार। आज विमल को कह करके इसका फैसला न किया, मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं। कौन है? भाभी मैं। क्या है? अरे अंदर तो आने दीजिए। हाँ बताओ कहाँ आग लगी है? अरे भाभी जो विरुआ है ना, उसका नया गाना है, देखिए ना। मुझे कोई गाना वाना नहीं देखना है, पता है तुम्हारे चक्कर में ना बुढ़िया से रोज गाली सुननी पड़ती है मुझे। अरे भाभी अपना मूड काहे ऑफ करती हैं, बैठिए तो सही। ये देखिए ये गाना वायरल हो गया, बहुत व्यूज आए हैं इसमें। एक बार कहा ना नहीं देखना मुझे कोई गाना वाना। अच्छा देवर जी एक बात बताइए, क्या आप मुझे विमल के पास जयपुर शहर छोड़ाएंगे? जयपुर? मैं कैसे, मेरा मतलब चाची भैया को पता चलेगा तो नाराज होंगे। ओ जैसे तुम भी तो बड़ा डरे। तो फिर चलो जाओ। अरे जाओ ना, अभी आप नाराज हो रही हैं। हाँ तो नाराज क्यों ना हूँ। जाओ जा जाके चाची के रूम में जाओ, जाओ जाओ। अच्छा ठीक है मैं लेके चलूंगा बस। सच? हाँ लेकिन भैया को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा उनको। वैसे बदले में मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। बूढ़ा सबर देवर जी, जितना मिल रहा है ना उतने में खुश रहिए, वरना जो हाथ में आया है ना वो भी निकल जाएगा। थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। और कितना इंतजार भाभी, वैसे भी आप भैया के पास चली जाएंगी। थोड़ा सा और सब्र देवर जी। अच्छा अब जाइए, सासू माँ का आने का टाइम हो गया, जाइए जाइए। हाँ तो मुझे पलंग के नीचे छुपा दीजिएगा। अच्छा बुढ़िया सबसे पहले आकर नीचे झांकती है। अरे सो क्यों नहीं जाते आप? दरवाजा खोल वरना तोड़ दूंगी। राजीव नमस्ते। तूने भी इसकी तरह शर्म लाज बेच खाई?
नहीं नहीं, मैं तो वीरवा का गाना दिखाने आया था, बहुत वायरल हो गया, आप भी देखिए ना। भाग यहाँ से और ना तेरे बाप को बुलाती हूँ, भाग यहाँ से। हाँ मैं बस जा ही रहा था। कब से कह रही हो एक बच्चा पैदा कर ले, मगर अय्याशा खत्म हो जाए ना इसलिए बच्चा भी नहीं करना चाहती तू। आदत है ना बात का बतंगड़ बनाने की। हाँ बच्चा मैं अपनी मर्जी से ही करूंगी, आपके कहने से तो बिल्कुल नहीं करने वाली। ओ तू बहुत बड़ी महारानी है कहीं की। हाँ पहले आप और विमल मुझे प्यार और सम्मान दीजिए, इस घर की बहू हूँ मैं। बहू के एक लक्षण भी नहीं है तेरे अंदर। घर की बहू हूँ, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो विमल भी मुझे ही दोष देगा। अच्छा है तू शहर चली जा। चली जाऊंगी शहर, यहाँ रहना भी कोई नहीं चाहता है, हर बात पे टोका टाकी और बदनामी गांव भर में अलग कर बैठी है मेरी। मैंने बदनाम किया तुझे? हाँ वो तो शुक्र मनाइए कि मैं हूँ आपकी बहू, कोई और होती ना तो दिन में तारे दिखा दी होती अब तक। तो तू मुझे धमकी दे रही है? धमकी नहीं दे रही हूँ, बस बता रही हूँ बहुत सह लिया मैंने, अब नहीं सहने वाली। हे भगवान, जा तू आज ही जा, अभी निकल और पलट करके वापस मत आना, समझी? भगवान से प्रार्थना है कि तू मेरा मरा मुंह भी ना देखे। तो मुझे शौक भी नहीं है आपका मरा मुंह देखने की, और नहीं आऊंगी वापस, जा रही हूँ। जा। क्या हुआ, देखकर खुशी नहीं हुई? हटो अंदर आने दो। तू यहां कैसे और मां कैसी है? झगड़ के आई है ना तू? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूं तुझसे, यहां बिना बताए कैसे और वहां मां का घर का ख्याल कौन रखेगा? अगर माँ की इतनी चिंता है तो उनके साथ जाके क्यों नहीं रह लेते? हाँ मुझे क्यों वहाँ छोड़ रखा है और यहाँ मौज कर रहे हो? तो बात करना बेकार। मुझसे बात करना बेकार है? हाँ मुझसे? अब समझ में आया कि इतने सवाल क्यों करने लगे आते साथ, कभी प्यार से दो शब्द तो बोल लिया करो। वहाँ माँ ने घर से निकाल दिया और यहाँ बेटा माँ की चिंता में मुझे खाया जा रहा है। मुझे ना तुमसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से। गुस्सा थूक दे। नहीं आप हमेशा माँ की साइड लेते हैं, मेरी कभी नहीं मानते। अच्छा ठीक है, अब तू जैसा कहेगी वैसा ही होगा, खुश? दूर हो मुझसे, कुछ नहीं मिलने वाला। कलावती मुझे बच्चा चाहिए। माँ ने सिखाया ना? हाँ दिन रात बच्चा 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 दिमाग खराब कर दिए मेरा। एक बात कान खोलकर सुन लो, बच्चा तो मैं अपनी मर्जी से करूंगी और अभी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन 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 क्या? पहले बीवी को इज्जत देना सीखो, उसको प्यार दो, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, हटो मुझे सोने दो। यार एक काम नहीं करती, ऊपर से माँ से झगड़ के यहाँ आ गई है और जब मैं बच्चे करने की बात करता हूँ ना तो सीधे मना कर देती है, पास फटकने नहीं देती यार, बहुत दलील करती है मुझे। थोड़ा दिमाग से तू भी काम लिया, कल को छोड़कर चली गई तो क्या करेगा? प्यार से समझाओ उसे। समझाता हूँ यार, समझती कहाँ है? तो तू दिमाग से काम लेना। तो सुंदर बीवी है तेरी, सुशील है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तेरे नसीब में ऐसी लड़की कहाँ से आ गई। अपना मजाक बनाने के लिए मैं सब बोल रहा हूँ। चल नाराज मत, मैं भाभी को समझाऊंगा। तो एक काम कर, आज रात घर पे खाने पीने का इंतजाम कर, मैं आता हूँ और भाभी को समझाता हूँ। चाय भी ठंडी हो रही है। अरे
आज साड़ी में? वो आपने कहा था ना आपके दोस्त आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहन लूं, अच्छी लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी। आइए ना अंदर आइए। हाँ जी। बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था अभी आपने, पेट भर गया लेकिन नियत नहीं। काश हमारी बीवी भी ऐसा खाना बना पाती। पर तू है कि भाभी से लड़ता रहता है। मैं कहाँ लड़ता हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये और इनकी माँ हमेशा कोसती रहती है मुझे, घर का नौकर समझते हैं नहीं मुझे। क्या बोल रही हो, मतलब सोच समझ कर बोला करो ना। सही तो कह रही हूँ। अब बाजार में कल मुझे एक बहुत प्यारी सी पायल पसंद आई, मैंने कहा दिला दो, तो वहाँ मुँह बना लिए, सबके सामने मुझ पे चिल्लाने लगे। ऐसा क्या तूने? बताओ, हर एक चीजों के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है मुझे। विमल, ये बहुत बुरी बात है। अब कोई भी लड़की कितना सहन करेगी बताइए, पिछले 5 साल से बस सह ही रही हूँ मैं यहाँ। तू भी ना भाभी को खामखा परेशान करता है, पायल ही तो मांगी थी, दिलवा देता। अरे यार, मैंने कहा था कि अगले महीने की तनख्वाह आने पे मैं दिला दूंगा। ठीक है भाभी, आगे से आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप मुझे कहिए, मैं ला कर दूंगा। और अगर आपको कभी भी स्वादिष्ट खाने का मन हो तो सीधे मेरे पास आ जाइएगा। ठीक है, अब बातों बातों में पता ही नहीं चला, काफी टाइम हो गया, सुबह ऑफिस भी जाना, मैं चलता हूँ। ओके सर, ध्यान रखो अपना यार। लेकिन विमल तो घर पर नहीं है। मैं आपसे मिलने आया था। पायल आपके लिए। लेकिन आप क्यों लेकर आए? सवाल जवाब रहने दीजिए, बस इसे पहन के दिखाइए कि ये आपके पैरों पे लग कैसी रही है। लाइए, मैं खोल देता हूं। अब खोल दिया है तो पहना भी दीजिए। कितनी प्यारी पायल है ना, सुनील लेकर आए मेरे लिए। आप तो कुछ दिलाते ही नहीं है। भाभी मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। बाय बाय विमल। बाय। मना नहीं कर सकती थी? अरे थोड़ा तो लिहाज किया करो, अपने साथ काम करता है, लोग बातें बनाते हैं। दूसरी सास मत बनो, एक काफी है। नए शहर में थोड़ा किसी से हंस बोल क्या लिया, उसमें भी तुमको तकलीफ हो रही है। और हाँ, शक करना बंद कर दो। शक नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम्हें समझा रहा हूँ। मत समझाओ। तुझे तो समझाना ही बेकार है, लेकिन एक दिन याद करेगी, जब परेशानी आएगी ना तब तुझे पछतावा होगा। कोई परेशानी आएगी ना तो आपके पास नहीं आऊंगी, खुद देख लूंगी। ठीक है, सुनिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? हर बात का जवाब देना जरूरी है क्या? पैसे दो। कितने चाहिए? 5,000 रुपए। 5,000? हाँ,
अब नए कपड़े लेने हैं, सामान लेना है। अब गांव की तरह थोड़ी कि कुछ भी पहन लिया, कुछ भी डाल लिया, ऐसा थोड़ी होता है। शहर में आई हूँ तो शहर की तरह रहना पड़ेगा। इतने पैसे नहीं मेरे पास। क्यों नहीं है पैसे? हाँ याद है, तुम्हारी माँ ने शादी के वक्त क्या कहा था कि किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, और यहाँ तुम्हारे खुद के लिए पैसे कम पड़ जाते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, बहाने मत बनाओ, पैसे दो। पैसे थे मेरे पास, मैंने गांव भेज दिए माँ के पास। माँ 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 माँ, दुखी हो गई हूँ मैं तुम और तुम्हारी माँ। आखिर शादी क्यों की तुम? हाँ कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे मेरे लिए, मेरी ही किस्मत फूटी हुई थी जो तुमसे शादी कर ली। मैंने तो मना भी कर दिया था माँ बाप को, लेकिन फिर भी पता नहीं उन्होंने तुम्हें क्या देखा जो इस कुएं में ढकेल के चले गए। देखो बहाने मत बनाओ, पैसे दो मुझे। देखो बहाने नहीं बना रहा हूँ मैं, सच कह रहा हूँ मैं। थोड़े से पैसे बचा के रखे हैं मैंने घर के सामान और राशन के लिए। हाँ तो मुझे दे दो, मैं ले आऊंगी राशन। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? मुझ पे भरोसा तो बिल्कुल नहीं है तुम्हें, है ना? देखो कलावती, ये घर के सामान और राशन के लिए, पैसे बच जाए तो ले लेना जो तुम्हें लेना है, ठीक है? राशन नहीं लाई क्या? अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, राशन कहाँ है? चिल्ला क्यों रहे हो? नहीं आया राशन, आ जाएगा बाद में। आ जाएगा मतलब? तुमने राशन के पैसे से कपड़े और सामान खरीदे हैं क्या? हाँ। अरे अब राशन कैसे आएगा, किससे मांगूंगा पैसे, कौन देगा मुझे? मैंने पहले ही कहा था कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे शॉपिंग करनी थी तो मैंने कर ली। अरे तो अगले महीने तनख्वाह आने तक इंतजार नहीं कर सकती थी? देखो कलावती बात समझो, मेरे ऊपर घर की माँ की जिम्मेदारी है, तुम्हें पैसे थोड़े सोच समझ कर खर्च करने चाहिए। मतलब मैं अपनी जरूरतें पूरी ना करूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। देखो मैं अपनी जरूरतों में कोई समझौता नहीं करूंगी, मुझे जब पैसे चाहिए होंगे तुमको देने होंगे। और ये हर बात में माँ को बीच में क्यों लेकर आते हो? हाँ ये यहाँ भी चैन से जीने नहीं दे रही है। माँ के लिए एक शब्द भी नहीं सुनूंगा मैं। क्यों नहीं सुनोगे? बुढ़िया काम नहीं करती है सुनने वाला। मुझे थप्पड़ मारा, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ, अब देखते जाओ। कौन है? अरे आ रहा हूं भाई, दरवाजा तोड़ोगे क्या? भाभी आप किस वक्त यहां? विमल कहाँ है? मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है। हुआ क्या है? विमल ने मुझे मारा। मारा? आप अंदर आइए, आइए अंदर। बैठिए। अब बताइए, लेकिन विमल ने आपको मारा क्यों? मैंने उससे सिर्फ थोड़े से पैसे मांगे थे तो गुस्सा हो गया और हाथ चलाने लगा। कदर नहीं है उसे, इतनी सुंदर सुशील बीवी है उसकी। अरे उसकी जगह अगर मैं आपका पति होता ना तो कभी ऐसा नहीं करता। आप परेशान मत होइए, मैं बात करूंगा उससे। नहीं उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे रहना ही नहीं है उस घर में, मैं जा रही हूँ। भाभी लेकिन आप कहाँ जाएंगी? देखिए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आता हूँ। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, कम से कम आप बैग तो चाहिए प्लीज। आप बैठिए, मैं बस अभी आता हूँ। दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ अबे बीवी को मारेगा? कलावती कहाँ है? मैं घर छोड़कर जा रही थी, बड़ी मुश्किल से समझाया मैंने उन्हें। कहाँ है? बाहर खड़ी है क्या? बाहर नहीं खड़ी है,
परेशान थी। सोच अगर पुलिस के पास चली जाती तो थाने में बुला के पुलिस ने रिमांड ले लेती कि बीवी को मारेगा। लेकिन 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 कुछ नहीं। देख भाभी घर पे, आज उन्हें वहीं रहने दे, सुबह तक उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। सुबह घर आके माफी मांग के ले जाना। ठीक, जा रहा हूं मैं। आप विमल के पास गए थे? देखिए आप उस घर में वापस जाने के लिए मत कहिएगा वरना। आपको कहीं जाने के लिए नहीं कह रहा और जाना भी नहीं, वो है ही इसी लायक। देखिए आपको इस घर में जब तक रहना है ना, आप तब तक रहिए, आपको इस घर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आप कितने समझदार हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि काश विमल की जगह मेरी शादी आपसे हुई होती। तो आप कर लो। बहुत लकी है आपकी बीवी। सुधा, मेरी बीवी का नाम सुधा है। अब तो जलन होने लगी है मुझे सुधा से। जलन? जलन क्यों? आप इतनी सुंदर, सुशील, और वो कहां गांव की गवार, सलीका भी नहीं हो उसे बात करने का, बस अपनी तो कट रही है जैसे तैसे। झूठ, बातें बना रहे हैं आप। मैं झूठ नहीं बोलता, पर कभी कभी सोचता हूं कि आपकी तरफ कोई भी आदमी खींचा चला सकता है। अब रात बहुत ज्यादा हो गई है, सो जाते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाले बेडरूम में सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी से माफी मांग और ये बोल कि आज के बाद कुछ भी गलत नहीं कहूंगा और पैसे के लिए भी मुझे कुछ नहीं सुनाया जाएगा। हाँ भाभी, आज के बाद आपको परेशान नहीं करेगा, और अगर इसने परेशान किया ना तो इसकी खबर मैं लूंगा। ठीक है, अब आप दोनों जाइए। ऑफिस नहीं गए? लेकिन विमल की तो नाइट शिफ्ट है। मैंने सुपरवाइजर को बोल के 2 हफ्ते के लिए नाइट शिफ्ट लगवाई। आपको डर नहीं लगता अगर विमल को पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा, बात भोला है वो। और मैं? अब तो बहुत ही जालिम है। Thank you.
कलावती माँ चल बसी, अपना सामान पैक कर लो, अभी गांव के लिए निकलना होगा। अरे तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? तुम अकेले ही चले जाओ, वैसे भी तुम्हारी माँ ने कहा था कि मैं उनका मरा मुंह ना देखूं। ऐसे समय में ये सब बातें करना ठीक नहीं है कलावती। देखो अपना सामान बांध लो, अभी हमारी ट्रेन है, ट्रेन का वक्त हो रहा है कलावती। मैंने कहा ना मुझे कहीं नहीं जाना। देखो कलावती, तुम्हारे और माँ के बीच जो कुछ भी मनमुटाव, जो कुछ भी लड़ाई थी, वो माँ के मरने के बाद खत्म हो गई। माँ के अंतिम दर्शन कर लो, जिद छोड़ दो कलावती, उनसे माफी मांग लो। मैं क्यों माफी मांगू? भला बुरा तुम्हारी माँ कहे और माफी मैं मांगू? अब तो मैं बिल्कुल नहीं जा रही। अभी भी तक तैयार नहीं हुई? मान नहीं रही, मरने के बाद क्या नाराजगी, समझा इसे। भाभी वो एक शब्द नहीं सुनूंगी मैं, किसने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देख भाभी नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती मत कर, तू चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। अच्छा वो मर गई बुढ़िया, हमेशा कोसती रहती थी, और विमल विमल भी उसी की साइड लेता रहता था। अब जाने भी तो, क्यों कोस रही है? कोस नहीं रही हूं, अब देखती हूँ क्या करता है माँ के बिना। विमल का तो पता नहीं, लेकिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या हुआ, डर लग रहा है? मैं नहीं डरती किसी से। अच्छा सच्ची? मुच्ची कलावती, माँ के जाने के बाद गांव में घर और खेत संभालने के लिए किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है, वरना चाचा चाची सब हड़प लेंगे। मैं कह चुकी हूँ मैं गांव में नहीं रहने वाली। सुनील समझाई से, मैं नौकरी छोड़ के गांव नहीं जा सकता हूँ, बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी से गुजारा होता है, आपको बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कलावती तुम्हें जाना ही पड़ेगा। क्यों, जब तुम वहां नहीं रह सकते तो सब कुछ बेच क्यों नहीं देते? क्या करना है गांव के घर और जमीन का जब हमें रहना ही शहर में है? कैसी बातें कर रही हो, बाप दादा की जमीन को बेचता है क्या? मैं नहीं जा रही बस। सुनील आप क्यों नहीं समझाते इनको? देखो भाभी, आपको गांव की जमीन और घर दोनों संभालने ही पड़ेंगे, ऐसे जमीन नहीं बेच सकते। कलावती जल्दी करो, ट्रेन के लिए देरी हो रही है। हाँ हाँ आ रही हूँ, सुनील को तो आने दो। क्या हुआ, वो हमें स्टेशन छोड़ने नहीं आ रहे? अरे आज दोपहर में ही सुनील की बीवी गांव से आई है, उसी के साथ बिजी होगा, अब हमारे लिए टाइम कहाँ है उसके पास। जल्दी करो ट्रेन के लिए देरी हो रही है, जल्दी। हाँ ये पकड़ो। मैं दो चार दिन और रुकता लेकिन छुट्टी नहीं है, जाना पड़ेगा। कलावती देखो माँ नहीं है, घर की सारी जिम्मेदारियां अब तुम्हारे ऊपर है, अच्छे से रहना और गांव वालों को बातें बनाने का मौका मत देना। हाँ हाँ पता है, बहुत नाम है तुम्हारे खानदान का, है ना? हर बात पे टोंट क्यों मारती है? जा सुनो, राजीव की शादी पक्की हो गई, बहुत ज्यादा मिलना जुलना हंसी मजाक ये सही नहीं है। पहले भी कुछ नहीं था, वो तो तुम्हारी माँ ही आग लगा कर गई है, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट कर चली गई है, पूरे गांव में बदनामी कर गई। और एक बात बता देते हैं तुमको, शक की कोई दवा नहीं है मेरे पास। मैं शक नहीं कर रहा हूँ, बस आगाह कर रहा हूँ। और सुनो अपना ये पहनावा सही करो, गांव में आ गई हो तुम। क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या पहनना और क्या नहीं, अब जाओ यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो।
बधाई हो देवर जी, आप तो देवरानी घर ला रहे हैं, अब कहाँ अपनी भाभी को याद करेंगे? हाँ? ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं तो बस 3 दिन हो गए मुझे आए हुए और अब जाकर अपनी शक्ल दिखाई है आपने। क्योंकि आप पास नहीं आने देती ना। नहीं देवर जी, बस यही बात आपकी बुरी लगती है भाभी, झटके से अपने से दूर कर देती हैं। सब समझता हूँ मैं, बच्चा नहीं हूँ, बस अपने आगे पीछे घुमाते रहना चाहती हैं आप। ऐसी बात नहीं है देवर जी, आप गुस्सा क्यों होते हैं? ऐसी बात नहीं है तो गांव छोड़कर भाग चलते हैं, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे आपके साथ रहना है। अच्छा, और कहाँ जाएंगे? कहाँ रखेंगे हमको, और हम खाएंगे क्या? देवर जी अब आप परेशान क्यों होते हैं, मैं हूं ना आपके पास हमेशा, और अब तो सासू माँ भी नहीं है, जुलमल भी शहर में रहते हैं, तो मैं ही आपके पास। अब आपको पता है ना देवर जी कि घर में मर्द की कितनी ज़रूरत होती है, कितने सारे काम होते हैं, है ना? तो फिर अब एक बात बताइए मुझे, मैं गांव किसके भरोसे आई थी? मैं हूँ ना भाभी, मैं आप जो बोलेंगे वो करूँगा, बस मुझे दूर जाने के लिए मत कहिएगा। नहीं करूँगी, पक्का। अब खुश? खासे तो दिख रहे हो, फिर फोन पे क्यों कहा कि तुम्हारी तबीयत खराब है, जल्दी आ जाओ। ये खड़ी खड़ी बातें करोगे? चल आ जाओ, सांस ले लो, बताता हूं। वो मैंने झूठ बोला, अब तुम्हें गांव जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन क्यों, मतलब तुम्हारा जब मन करे तो मुझे गांव भेज दो, और फिर वहां जब मैं रहने लगूं तो मुझे वापस बुला लो, मतलब मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे और राजीव को रिश्ते को लेकर के बहुत बातें हो रही है, तू हो रहा है। झूठ बोल रहे हैं सब, बकवास कर रहे हैं। चाचा चाची का फोन आया था, कह रहे थे कि राजीव का रिश्ता टूटते टूटते बचा है, कह रहे थे कि गांव के घर और खेत वो संभाल लेंगे। देखो मैं गांव वापस जा रही हूं। तुम नहीं जा सकती हो, तुम्हें तो यहां रहना था ना शहर में, भूल गई? लेकिन वो सब झूठ बोल रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं मुझे। चलो मान लिया कि तुम्हारे और राजीव के बीच में कुछ नहीं है, सब बदनाम कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो गांव जाने की जिद क्यों कर रही हो, यही रहो मेरे साथ। ठीक है, मैं यही रहूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन आइंदा मुझे गांव वापस जाने के लिए मत बोलना। नहीं बोलूंगा। क्या कर रहे हैं? विमल आते ही होंगे। डर क्यों रही हो? मैं सुनील इतनी जल्दी भूल गई, कितना याद किया आपको। क्यों, सुधा वापस गांव चली गई क्या? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो हमेशा आपको। सारे मर्द एक जैसे ही होते हो,
मतलबी और धोखेबाज। मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना है और आज के बाद मेरे करीब आने की कोशिश मत करना वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। तू कब है? चल बैठ, दो कप चाय बना के ले। वो चाय के लिए पूछा था इनसे, शायद इन्हें कोई जरूरी काम आ गया है ना। हाँ वो चल कोई नहीं, ठीक है मिलते हैं फिर। हाँ देवर जी बोलिए। भाभी आप गांव वापस आ जाइए, मैं शादी तोड़ लूंगा, हम कहीं भाग चलते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ। देवर जी मैंने विमल को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो गांव जाने से मना कर रहे हैं। तो आप ही बताइए अब मैं क्या करूँ, अब एक एक दिन आपके बगैर काटना बहुत मुश्किल हो रहा है भाभी। मुश्किल तो मेरे लिए भी हो रहा है देवर जी, यहाँ तो जैसे दम घुटता है मेरा। क्यों क्या हुआ? भैया ने कुछ कहा क्या? कोई बात हो तो भाभी आप मुझे बताइए। सब बताऊंगी, थोड़ा और सब्र कर लीजिए। और कितना सब्र? बस थोड़ा और देवर जी, थोड़ा सा। कोई ना कोई रास्ता निकालती हूँ। अच्छा सुनिए, गाने का टाइम हो गया है, मैं कल कॉल करती हूँ आपको। अच्छा ठीक है। सर अंदर घर से बहुत बदबू आ रही है। आपने किया था? हाँ सर मैंने ही किया था। आइए। मनोज उसे चेक कर। सर ये तो सुनील है। अरे चेक करो, आप आइए। ये सुनील यहां पर अकेला रहता था? नहीं सर, चार पांच महीने से जानता हूं इसको। कभी कभी बीवी आती है इसकी, पाँच छः दिन रुकती है महीने में। अच्छा आसपास में इसका कोई रिश्तेदार या कोई दोस्त रहता है? हाँ सर पास में ही विमल है, सुनील की अच्छी दोस्ती थी विमल से। विमल और उसकी वाइफ कई बार आए जाए करते हैं यहाँ पे, कभी कभी तो उसकी वाइफ अकेले ही आती थी, कई बार देखा मैंने। रोड के गले पे कुछ निशान जैसे है, लगता है उसे गला दबा के मारा गया है। फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो और पूरे घर को अच्छे से सर्च करो, देखो कोई एविडेंस मिलता है क्या। अरविंद सर इस फोन को रखो, शायद ये फोन सुनील का हो सकता है। आईटी टीम के पास भेजो और इसके कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। सर चेक करो कि लास्ट बार उसने किससे बात की थी या शायद किसी ने कोई मैसेज वगैरह किया हो। अच्छा ये विमल कहाँ पर रहता है? यहीं सर पास में ही, आइए मैं लेके चलता हूँ आपको। सब सुनील मेरा बहुत अच्छा दोस्त था लेकिन उसे कुछ बुरी आदतें भी थी, जुआ और सट्टेबाजी की। उसके सर पर बहुत से लोगों का कर्ज, उसकी इसी आदतों से उसकी बीवी बहुत परेशान थी, पिछली बार झगड़ कर गांव चली गई थी। पता नहीं अब क्या करेगी, कैसे जिएगी वो। सुनील आपके घर पर आता था? जी सर इनसे मिलने आते थे। और आपसे? कौन मार सकता है सुनील को? उसकी किसी के साथ में कोई दुश्मनी थी? हाल फिलहाल में किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ हो और उसने आप लोगों को बताया हो? सर मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो एक हफ्ते पहले ही गांव से आई हूँ। आप सुनील के घर भी जाया करती थी ना?
हाँ सर, कभी कभी उनकी तबीयत खराब होती थी तो मैं जाकर खाना बना दिया करती थी। आखिरी बार कब गई थी आप? सर गांव से आने के बाद तो मैं नहीं गई। ठीक, ठीक है। सर सुनील के एक पड़ोसी ने बताया कि जिस रात सुनील का कत्ल हुआ उस शाम को कलावती और एक लड़के को सुनील के घर से बाहर निकलते हुए देखा था। पर हाँ एक बात और सर, सुनील के मोबाइल से आईटी टीम को कुछ मिला है। आपने अपने और सुनील के रिश्ते के बारे में हमसे झूठ क्यों बोला है? बताइए क्यों झूठ बोला? क्या झूठ इंस्पेक्टर साहब? सुनील की मौत गला दबाने से और दम घुटने से हुई है। हमें उसके गले पे निशान भी मिले थे और जिस दिन सुनील का कत्ल हुआ था उस वक्त आपकी बीवी सुनील के घर पर थी और इनके साथ में एक लड़का भी मौजूद था। कौन था वो लड़का? सर ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो झूठ मत बोलो। सुनील के साथ में क्या संबंध है तुम्हारे? देखो हमें सुनील के मोबाइल में तुम्हारा और उसका आपत्तिजनक वीडियो मिला है। सर सुनील मेरे साथ गलत कर रहा था। वो लड़का कौन था बताओगे या फिर? मेरा देवर राजीव। सर मेरे और सुनील के बीच में संबंध बन गए थे, लेकिन गांव से लौटने के बाद जब मैंने उसे मना किया तो वो क्यों आए हो? विमल घर पर नहीं है। लेकिन मैं आपसे मिलने आया हूं भाभी। देखो मैं पहले भी कह चुकी हूं हमारे बीच अब कोई संबंध नहीं है, याद है या भूल गए? बहुत अच्छे से याद है। लेकिन क्या ये याद है? हो सकता है शायद तुम भूल गई हो। मैं ये विमल को दिखाता हूँ और उसको पूछता हूँ। नहीं प्लीज, ये वीडियो विमल को मत दिखाना, उसने देखा तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देगा। प्लीज सुनील। तो ठीक है मेरी बात मान लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। याद है ना आपको कैसे मेरे साथ बहुत खुश रहती थी? सब कुछ पहले जैसा, वही खुशी दूंगा, वही प्यार दूंगा। विमल को क्या, किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा, समझी? सर उस दिन के बाद से सुनील का जब भी मन करता तो कभी वो मेरे घर या कभी अपने घर बुलाकर मेरे साथ। सुनील को मारा कैसे? सर जब सुनील की धमकी वाली बात मैंने राजीव को बताई तो फिर से सुनील ने कल मुझे घर बुलाया। राजीव प्लीज कुछ करो, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। खुदकुशी करने के बारे में सोचना भी मत, मैं कल ही आ रहा हूँ, ठीक है? फिर अगले दिन राजीव गांव से जयपुर आ गया, स्टेशन के पास एक होटल में रुक गया। सर ये बात हमने विमल से छुपाई और शाम को जब सुनील ने अपने घर बुलाया मुझे तो अभी। और हाँ दरवाजा बंद कर देना। आइए भाभी, बहुत इंतजार करवाती हैं आप। आज तो आपके कुछ अंदाज बदले बदले नजर आ रहे।
लगता है कि बिजली आज जमकर गिरने वाली है। मुझे धमकी देगा? मुझे धमकाएगा? क्या मारेगी? राजीव, पैर पकड़ो उसके। जल्दी से एक टीम को गांव भेजो राजीव को अरेस्ट करने के लिए। सर, सुनील को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो आप सही कहते थे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे सुनील पे भरोसा नहीं करना चाहिए था, उसने सिर्फ मेरा फायदा उठाया, मुझे माफ कर दीजिए। हो गया, ले चलो इसे।